नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा शुल्क के विरोध में 3 दिन से चल रहा धरना सिटी मिनिस्टर विकास कश्यप आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे रालोद छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सार्थक लाडियान आदि को जूस पिलवाकर उनका धरना समाप्त करा दिया। मीरापुर क्षेत्र से रालोद विधायक चंदन सिंह चौहान भी धरनारत छात्रों के बीच पहुंचे और छात्रों की समस्या सुनी। चर्चा रही कि नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने धरनारत छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनका प्रयास रहेगा कि वे उक्त छात्रों को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बराबर फीस कराएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया। इस दौरान रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, रालोद मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, रालोद छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सार्थक लाडियान सहित रालोद के कई पदाधिकारी गण और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, फीस जो एग्जामिनेशन फीस यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जो बढ़ाई गई थी, जो मेन मुद्दा था, वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा बातचीत हो गई है और एक दो दिन में पोर्टल पे ये आ भी जाएगा और इनके पर लिखित में लेटर भी आ जाएगा। जो बैग का मुद्दा है, इन्होंने बैग के मुद्दे पे ये आश्वासन दिया है कि हर एक कॉलेज से हम ही ये काम करेंगे, हर एक कॉलेज से डिटेल लेंगे कि कितने बच्चों की बैग है और कितने सब्जेक्ट में है, वो रिपोर्ट बना के हम प्रशासन को यहाँ से जनपद से देंगे और ये उस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी में बात करेंगे। तो जो आपकी मुख्य मांगे थी वो सभी मान ली गई? मुख्य मांगे हमारी दो मुख्य मांगे थी, दोनों पे बातचीत हो गई है और जो अन्य मांगे, जो लोकल कॉलेज स्तर की मांगे, उन वो ये जनपद का जो प्रशासन है वो कॉलेज से विचार विमर्श करेगा कि किन मांगों से छात्र यहाँ जो मांग उनके ऊपर रखी गई है वो प्रताड़ित हो रहे थे। अभी भूख हड़ताल आपकी समाप्त हो गई है, खुद जूस पिलाया है अधिकारियों ने और आपकी जो पार्टी के नेता है, क्या कहना चाहिए? इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें जो समर्थन छात्र शक्ति का जनपद में जो समर्थन हमें मिला है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ और जो हमारा संगठन है उन्होंने हमारा समर्थन किया उसका मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ और जो किसान यूनियन संगठन है उन्होंने हमारा छात्रों का पूरा साथ दिया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी भविष्य में अगर इस तरीके की यूनिवर्सिटी द्वारा जो ये लागू करते हैं जिनसे छात्र प्रताड़ित होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, अगर आगे यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरीके की आगे करेगा छात्रों को परेशान तो हम आगे फिर इस तरीके के आंदोलन भविष्य में करते रहेंगे। कितने लोग बैठे थे भूख हड़ताल? हम 9 लोग थे। कितने टाइम चले ये? हम परसों सुबह से बैठे हैं। काफी प्रयास रहा है भूख हड़ताल और आंदोलन। 3-4 मांगों पे सहमति बनी। फीस वृद्धि का मामला था एक, एडमिशन का था, दूसरा जो बैक आ जाती थी उसे छात्रवृत्ति का, फीस वृद्धि का उसको फॉर्म नहीं भरा जाता था और अगली क्लास में उसे बैठने नहीं देते थे अगले नेक्स्ट ईयर में, तो इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई और पूरे मामले को लेकर जिस तरह से टीके साथ खुद यूनिवर्सिटी पहुंचे और आज ये हड़ताल खत्म हुई, आपके हाथों से जूस पिया छात्रों ने, क्या कहना चाहोगे? नहीं, भूख हड़ताल भूखे रह के आंदोलन नहीं लड़े जाते और हम तो ये कहना चाहेंगे कि छात्रों को अपना पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जो समस्या है वो डीन तक या वहाँ तक पहुँचाएँ और जो अगर आंदोलन की बात है तो उनके परिवार वालों को, जो बड़े लोग हैं उन्हें आंदोलन करना चाहिए, छात्रों को अपने स्कूल में ध्यान देना चाहिए पढ़ाई में। समस्या का 15 दिन का टाइम मांगा है, 15 दिन बाद लिखित में आ जाएगा। तो अभी हड़ताल खत्म, अभी भूख हड़ताल खत्म कर दी और सभी छात्र स्वस्थ हैं और अपने घर जाएंगे। आपने मांग की है कि इसे यूनिवर्सिटी से ही, हाँ इसे सीसीएस यूनिवर्सिटी से कनेक्टिविटी हो जाए इसकी, क्योंकि ये पास भी पड़ती है। सहारनपुर जाओगे वहाँ से बस पकड़ोगे या रिक्शा पकड़ोगे जब यूनिवर्सिटी आना पड़ता है, ये ऑन हाईवे पे ही है और यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी अच्छी चलती थी। हाँ, सीसीएस बढ़िया है, तब से ज्यादा समस्या भी आ रही है। एक एक नंबर से फेल कर रहे हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया, उसी सेमेस्टर की पिछली रीचेकिंग कॉपी हुई उसमें एक नंबर से फेल कर दिया, ये तो एक जरिया बना लिया उसका आमदनी का, एक एक नंबर से फेल करके उन्हें छात्र को नाम बिल्कुल जा रही है। देखिए, पहली तो थी फीस बढ़ोतरी को लेके जिसको एक कमेटी भी बनाई गई थी, तो इस कमेटी ने जो जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है उन्होंने उसको चौधरी चरण सिंह में जितनी फीस है उतना करने की बात की गई है। दूसरी मांग की गई थी कि अनुत्तीर्ण बच्चे को लेकर, तो बैग को लेकर भी उनसे वार्ता हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण मांग जो थी वो छात्र छात्राओं की कॉपी रीचेक को लेकर थी, तो इनका प्रत्यावेदन लिया गया है और इसमें जितने भी रीचेक होंगे उसमें फीस कंसेशन या फीस माफ़ी के लिए यूनिवर्सिटी को लिख के भेजा जाएगा। 48 घंटे से भूख हड़ताल जी थे आपने जी धरना जी ये खत्म करा दिया गया है, जूस पिलवा के इनको भूख हड़ताल जो भी थी इनकी समाप्त हो गई है।
सर बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि जो फीस बढ़ोतरी थी उसको कम कर दिया गया है, और बच्चों से तो यही उम्मीद है कि भाई अपना टाइम जो उन्होंने आ दिया इसको कवर करने के लिए और ज्यादा पढ़ाई करें, 24 घंटे पढ़ें तो ये कवर चीज हो पाएगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।